जी कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, 2 से 3-4 ईयर के बेबी के लिए यहाँ पर ब्यूटीफुल नेक की ट्रिक, ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसमें आपने फंदे घटाने नहीं है, ठीक है। बिना घटाए ही राउंड शेप आई हुई है। साथ में क्लियर कर रही हूँ कि मैंने इसका मतलब फ्रंट और बैक पल्ला एक साथ बनाया हुआ है और जो नेक बनाया हुआ है दोनों मुंडे जोड़ के। वैसे हम राउंड नेक में जो है एक ही मुंडा जोड़ते हैं ना, फिर मैंने इस तरह से आपको यहाँ पर मुंडे चढ़ाने उतारने से बचाया हुआ है बहुत इजी से स्टेप में। और मैक्सिमम सिस कहती है कि जो हमें नेक है वो ऊपर चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर, यहाँ क्लियर करती हूँ, मैं आपको सिर्फ 12 रो राइट और लेफ्ट 12 12 रो में के बाद जो है मैंने ऊपर को ये नेक बनाया हुआ है, तो पूरा परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर बता लेती हूँ इस तरह से, यहाँ पर हैंड से ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से 2-3-4 ईयर के बेबी के लिए इजी से नेक आ जाएगा। तो चलिए इजी से स्टेप को हम जो है सीख लेते हैं। आई होप आज का प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। इसे जो है यहाँ पर जो फंदे उतारने चढ़ाने से भी आप बच जाओगे। तो चलिए न्यू ट्रिक स्टार्ट करते हैं राउंड नेक की, ठीक है। यहाँ पर मैंने 0 से राइट एंड लेफ्ट 45 45 थे मेरे, यानी 90 फंदे थे, तो मैंने 5 5 लेस कर दिए। अब मैंने यहाँ पर 3 पार्ट्स में मैंने यहाँ पर डिवीजन कर दिया है, ठीक है। तो 29 यहाँ है, 29 मेरे यहाँ है, तो मैंने इनको आगे कर लेती हूँ, ठीक है। तो बीच में देख लीजिए आपने कितने रखने, 26 रखने, 27 रखने, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ। तो सिंपल कैरिज वाली नोक को पीछे करेगी, कार्ड वाला ये जो बटन है इसे यहाँ करेगी। हमने यहाँ पर क्या करना है, हम हमेशा जो है लेस करते हैं, ठीक है। तो फंदे उठाने में हमारी सफाई बिल्कुल नहीं आती, तो हमने करना क्या है तो देख लीजिए पहले। तो इस तरह से दो चार पाँच, ठीक है, दो चार, ठीक है, थ्री टू वन, ठीक है ना। अब रह गए मेरे यहाँ पर 2 4 6 8 10 12, अगेन करती रिपीट ना, 2 4 6 8 10 12 14, 14 है ना, ठीक है। अब देखना है मेरा बेबी, मतलब बेबी की आरंभ होल के अनुसार ही, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, मैं 12 रो लूँगी, ठीक है। 1 2 3 4 मैंने क्या यहाँ पर 12 रो ले लीजिए, ठीक है। अब मैंने इस तरह से थोड़े रेशेस वाला धागा है, तो अब मैंने क्या करना है, इन फंदों को उठाते हुए जाना है यहाँ पर 3 3, ठीक है, इस तरह से। बाकी ये मेरे पीछे हो जाएंगे। अब दूसरी साइड से भी ऐसे करते जाना है, जो मैंने यहाँ पर किया है तो सेम आपने यहाँ पर भी वैसे करते हुए जाना है। पहले क्या करना है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 बोले थे ना मैंने यहाँ, तो वैसे ही करते हुए जाना है। अगर आप बिल्कुल सही आएगा 5 4 3 2 1 का, ठीक है, लिया है। तो यहाँ पर मैंने काउंटिंग कर ली है, तो टोटल फंदे मेरे यहाँ पर नेक में जो आगे वाले पल्ले में 70 है, इतने हैं 70 है। तो डाइजेशन का विशेष आपने ध्यान देना है ना। तो मैं यहाँ पर रखती हूँ यहाँ 6 नंबर, ठीक है। मैं क्या करना है यहाँ पर 1 by 1 का चॉइस है आपकी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर गला बना लेना है, रो देख लेना आपने कितनी लेनी है, चौड़ा लेना है कम चौड़ा लेना है, ठीक है। इस तरह से ये फ्रंट वाला
मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह नेक बन के आया हुआ है। जैसे मेरा राउंड नेक परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है। अब मैंने क्या करना है, आप चाहो तो बैक पल्ला पहले बना सकते हो और मैं साथ में बना रही हूँ, यानी एक वाले मुंडे के फंदे में उठा लूँगी और बैक का पल्ला यहाँ चढ़ा दूँगी। मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर रोली हुई थी, ठीक है, और पूरे टोटल फंदे लेने मैंने 80 और आपको बोला था मैंने 90, पाँच पाँच, तो मैंने बाद में जब मेरे आर्म होल यहाँ तक पहुँच जाऊँगी तब मैं यहाँ बढ़ा दूँगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा वाला मुंडा भी आप चाहो तो खुला भी रख सकते हो, कहने का मतलब बाद में भी जोड़ सकते हो, मैं साथ में ही बना रही हूँ। इसी से स्टेप में बता रही हूँ आप सभी को, ताकि मुंडे बार बार उतारना चढ़ाना ना पड़े आपको, है ना। तो टोटल मेरे 80 हो गए हैं, तो मेरे आर्म होल्स पूरे हो गए हैं। राइट एंड लेफ्ट से जो घटाए हुए 5 थे उन्हें हमने बढ़ा देना है, बस। उसके बाद आपने याद रखना है कि आपने टोटल रो कितनी लगाई थी, तो मैंने 100 लगाई हुई थी, ठीक है। तो मैंने इस तरह से मीटर कर दिया है स्टार्ट, तो 100 रो लेने के बाद मैंने बॉर्डर लगा दिया था, और ये आपकी चॉइस है बॉर्डर कितने इंच रखना है। बॉर्डर को पूरा का पूरा फोल्ड कर दिया था मैंने, देखो फिर लेस करने जा रही हूँ, ठीक है। तो कट कर लेती हूँ, इतना काट लेती हूँ कि ये सिलने के काम आ जाए, है ना। फिर मैं आपको अब नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि सिलना, स्टिचिंग तो आपको पता है मतलब बैक और फ्रंट का, है ना। तो फिर देखिए अब ये वाले फंदे उठाने हैं मैंने, ठीक है। अब ये आपकी चॉइस है, आपने सेम पट्टी वाला बनाना है 2 कलर में या आपने 1 कलर में, जैसे भी है आपकी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर करती हूँ कि फंदे कितने उठाने हैं। यहाँ पर 1x1 का किया है, तो 45 टोटल फंदे हैं मेरे, ना। और सेम उतने ही रो लेनी है, और डाई शेकिंग का फिर ध्यान रखना है, ये नहीं कि कम ज़्यादा करना है आपने, ठीक है। तो चलिए बना लीजिए। तो अब मैंने एक वर्स में रो ले ली थी, और पूरे के पूरे फोल्ड करने के बाद लेस कर रही हूँ। फिर हमने फ्रंट वाले नेक को और बैक वाले को दोनों साइड से हमने जो है स्टिचिंग करना है, ठीक है। ये वाली साइड एंड पीछे वाली साइड, ठीक है।